आज तक इस जगह की ब्लॉगिंग आप लोगों को इंटरनेट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नई ब्लॉगिंग है और हमारे भारत के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं अभी तक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें जो आप लोगों से और हम लोगों से बहुत दूर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आ पहुंचा हूं दिल्ली से हरियाणा के एक नए मकबरे की खोज में। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो जगह है ये हरियाणा के नारनोल गांव में पड़ती है जो कि अपने आप में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। आप मेरे पीछे जो इतनी सुंदर ये मकबरा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है शेर शाह जो कि एक समय के अंदर दिल्ली के बहुत बड़े सुल्तान हुआ करते थे, उनके पिता की कब्र। दोस्तों इस कब्र का नाम है शाह इब्राहिम का मकबरा। आपको मैं बता देता हूं कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ इस मकबरे के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये कब बनवाया गया, कैसे बनवाया गया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा अंदर से ले जाना चाहता हूं मैं आपको, ताकि इसकी मैं खूबसूरती और सुंदरता को काफ़ी करीब से दिखा सकूँ आपको। तो आइए आप मेरे साथ में। दोस्तों हम आ चुके हैं इस मकबरे के अंदर वाले परिसर में। आपको मैं बता देता हूं कि उनके शेर शाह सूरी के पिताजी की मृत्यु 1518 में हुई थी और ये वाली जो जगह है ये लगभग 1538 से लेकर 1545 के बीच में बनाई गई थी। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे इतना सुंदर मकबरा देख पा रहे हैं ये अपने आप में ज़मीन से ऊपर की तरफ एक स्क्वेयर फॉर्म में बना हुआ है, यानी कि एक वर्ग की आकृति में इसको बनाया गया है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लोकेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को लाल, नीले रंग के और सफ़ेद रंग के पत्थर का प्रयोग दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर नक्काशी के साथ में इसको हिंदू मंदिर के आकृति के जैसा ही बनाया गया है। इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा वाइट कलर का गुंबद है और उसके साथ में छोटे छोटे दो गुंबद भी हैं और उस गुंबद के साथ में बनाए गए हैं छोटे छोटे पिलर जो इसकी सुंदरता को चार चांद और लगा देते हैं। तो अब हम इस पूरे मकबरे को थोड़ा सा पास से इसका व्यू लेंगे। इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में पूरा खाली ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं और ये है काफ़ी ज़्यादा इस हरियाणा के नारनोल गाँव की एक बहुत सुंदर शेर की मज़ार। आइए दोस्तों हम जाएंगे इस मकबरे के अंदर और जैसा कि हम सभी धर्म की पूरी इज्जत करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शूज़ यहाँ पर उतारेंगे क्योंकि भगवान हिंदू मुस्लिम धर्म अलग अलग हैं लेकिन भगवान सबका एक है तो उनकी कदर हम लोगों को अच्छे तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। अब हम जाएंगे इस पीर के अंदर और यहाँ पर देखेंगे इस मकबरे को थोड़ा सा और बारीकी से। तो आइए आप मेरे साथ में। दोस्तों हम सबसे पहले इसकी एंट्री गेट पर आते हैं और एंट्री गेट पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर लाल रंग के बलुआ पत्थर और नीले रंग के पत्थरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा सुंदर नक्काशी के साथ किया गया है। थोड़ा सा आप पास आइए ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये चीज़ें कितने सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई हैं और आप ये देख पा रहे हैं इतनी बारीकी से इसका ये जो तराश के इनका डिज़ाइन बनाया गया है, यानी कि पहले के लोगों के पास में हस्तकला की एक बहुत अच्छी कलाकृति थी जिसके बेसिस पे चीज को बनाया गया है। ये बहुत बारीक डिजाइन इसके पूरे बड़े गेट की तरफ बनाया गया है और ये लगभग 10 से 11 फुट के आसपास का गेट है जो कि हमें बहुत बारीक से लेकर सुंदर नक्काशी दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इसके राइट वाले हिस्से की तरफ भी इसकी ये वाली नक्काशी की गई है, इसके उल्टे हाथ की तरफ भी वाली नक्काशी की गई है जो कि इस जगह को बहुत ज्यादा अद्भुत और आकर्षित बनाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि आज तक इस जगह की ब्लॉगिंग आप लोगों को इंटरनेट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नई ब्लॉगिंग है और हमारे भारत के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं अभी तक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें जो आप लोगों से और हम लोगों से बहुत दूर रही हैं क्योंकि वहाँ पर हम अपनी इस बिज़ी लाइफ के अंदर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब हम जाएंगे इसके अंदर और देखेंगे उस मकबरे को जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने आप में कि ये है वो पीर शेख इब्राहिम की वो कब्र जो उसके बेटे ने शेर शाह सूरी ने बनवाई थी अपने पिताजी की याद में। ये भी उन्हीं के समय में उनके जो
संबंधित रहे होंगे उनसे संबंधित है ये सारी की सारी कब्र यहाँ पर। आवाज़ भी गूंज रही है और ये अंदर से मुझे अपनी आईज से तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन लाइटिंग की कमी की वजह से हम इसको ज़्यादा अंदर तक नहीं देख पा रहे, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और अब हम जाएंगे इसके पीछे वाले हिस्से में जहाँ से हम अपनी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से करेंगे एक्सप्लोर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर से आ चुके हैं मकबरा देखकर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा हम लोगों को। और हम यहाँ पर एक अपने स्थानीय भाई से मिले हैं। आपका शुभ नाम भाई जी? मोहन नाम है भैया। अच्छा, इनका शुभ नाम है मोहन, जो कि इसी जगह पे रहते हैं। और ये हमें लेकर आए हैं इस मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ से मस्जिद का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आप हमें बताओगे बेसिकली कि आप लोगों के सामने क्या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है सरकार के द्वारा, या जब से आप इसको देख रहे हो ऐसे कैसे दिखा आपको? नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे इसकी सफाई करवाती है, ऊपर की जो यहाँ केमिकल से धुपता है, मैंने काम चलता है जी। जब इसकी गुमच काली हो जाती है ऊपर से तो इसको वाइट चमका देते हैं और यहाँ पे सीपर आता है, मैंने वो सफाई करके चला जाता है। ओके, ओके। और यहाँ पे देखने के लिए पर्यटक और बहुत बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठ गेंद खेलते हैं जब देखते हैं, जैसे कि आप आए यहाँ पे इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कार्य करवाया इसकी देख रेख के लिए? यहाँ पे एक आदमी रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो जल महल पे रहते हैं, आते हैं और देखने के लिए देख के चले जाते हैं। उन्होंने ये सारा काम करवाया, व्यवस्था करवाई यहाँ पे, ये ग्रिल वगैरह लगवाई और सुंदर करवाया यहाँ पे कार्य। तो इन भाई जी ने हमें बहुत सारी डिटेल दी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। दोस्तों हमारा आज का ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा रहा और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अभी अपने हरियाणा के, दिल्ली, राजस्थान के, अपने आसपास के उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ तक आम जन नहीं जा पाए हैं, और वो चीज़ें किसी गाँव में, शहर में आज इतनी टूटी हुई अवस्था में हमें मिल रही है, लुप्त हो चुकी हैं हमारे प्राचीन समय की चीज़ें। उन सभी चीज़ों को हम खोज रहे हैं अपनी वीडियो के लिए। तो हम अपनी अगली ब्लॉगिंग बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, एक नई जगह, एक नया प्लेस जो अभी तक आप लोगों ने ना कभी इंटरनेट पे देखा होगा, ना कभी उसके बारे में किसी से सुना होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में और देखते रहिए हमारी वीडियो को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। धन्यवाद।